13 बरस पुराना एक मामला, 3 मौतें, 210 गवाह, 38 आरोपी, आरोपियों में डीआईजी, एसपी समेत 3 आईपीएस और 2 राज्यों के गृह मंत्रियों के नाम, 16 आरोपी जो बरी हो गए। और आज आया एक फैसला कि बाकी के 22 आरोपी भी बरी हो गए। ये मामला जो इतने सालों से बार बार सुनाई पड़ता है, इसे कहा जाता है सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस या सोहराबुद्दीन का कथित फर्जी एनकाउंटर केस। इसी केस में आज सीबीआई कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने 22 आरोपियों को बरी कर दिया है। ये फैसला सुनाते हुए स्पेशल सीबीआई जज एसजे शर्मा ने एक बात कही, कहा, मैं असहाय हूं। सरकार और प्रोसिक्यूशन ने बहुत कोशिशें की, 210 गवाह लाए गए, लेकिन केस से जुड़े सबूत सामने नहीं आ सके। अभियोजन पक्ष की गलती नहीं है कि गवाहों ने कुछ बताया ही नहीं। जो गवाह और सबूत अदालत में पेश किए गए हैं, वो किसी साजिश और हत्या को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब सवाल, क्या वजह थी जो फैसला सुनाते हुए जज को ये कहना पड़ा कि वो असहाय हैं? ये जानने के लिए आपको पूरा मामला समझना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत होती है 26 नवंबर 2005 से। 26 नवंबर 2005 को एक खबर आई। बताया गया, गुजरात पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते और राजस्थान पुलिस के लश्कर के एक आतंकी के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में आतंकी मारा गया। उस आतंकी का नाम सोहराबुद्दीन शेख बताया गया। गुजरात पुलिस ने दावा किया कि सोहराबुद्दीन गुजरात के तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रच रहा था, लेकिन सोहराबुद्दीन के घर वालों का कहना था कि एनकाउंटर फर्जी है। शुरुआत में इस बात पर शक इसलिए भी बढ़ा क्योंकि सोहराबुद्दीन की पत्नी कौसर भी और उसके दोस्त तुलसीराम प्रजापति का कहीं अता पता नहीं था। सवाल यह है, कौन थे सोहराबुद्दीन, कौसर भी और तुलसीराम प्रजापति? गुजरात पुलिस के मुताबिक वो एक आतंकी था, उसके संबंध आईएसआई से थे और वो सीएम मोदी को मारने आया था। एक पक्ष कहता है वसूली का काम किया करता था, पुलिस और नेताओं की शह पर वो लोगों के पॉलिटिकल हित साधता था। चीजें कितनी उलझी हैं, वो इस बात से समझिए कि इस साल 4 नवंबर को मुंबई की एक निचली कोर्ट में एनकाउंटर केस की सुनवाई के दौरान एक गवाह आजम खान ने एक आरोप लगाया। कहा कि सोहराबुद्दीन ने उसे अपना राज बताया था। राज ये कि गुजरात के गृह मंत्री हरेन पांड्या की हत्या करने के लिए उसे डीजी वंजारा से पैसे मिले थे और उसने वो काम पूरा किया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोहराबुद्दीन की मां सरपंच और उसके पिता जनसंघ के पूर्व सदस्य थे। बोलता है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले का रहने वाला था। पहले भी उस पर खूब क्रिमिनल केस थे। 1995 में उज्जैन के उसके घर से 40 AK-47 राइफल बरामद हुई थी। उस पर अवैध हथियारों की तस्करी के मामले थे। गुजरात और राजस्थान के मार्बल कारोबारियों से वसूली और हत्या के कई मुकदमे भी उस पर दर्ज थे। सवाल, तुलसीराम प्रजापति कौन था? वो भी उज्जैन का रहने वाला था। उसके पिता का ईंटों का भट्टा था। 18 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा और घर छोड़कर भाग गया। 28 बरस की उम्र में मार दिया गया। फिर मरने का मामला कोर्ट में कैसे पहुंचा? सोहराबुद्दीन शेख के भाई रबाबुद्दीन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुनवाई शुरू हुई और सच्चाई सामने आने लगी। जांच में पता चला कि सोहराबुद्दीन मुठभेड़ कांड के कुछ दिन बाद ही कौसर बी को मार दिया गया था। इन खुलासों के बाद गिरफ्तारियां भी हुई। वो अधिकारी जिन्होंने इस मुठभेड़ को अंजाम दिया था, उन पर शिकंजा कसा गया। मुठभेड़ की अगुवाई करने वाले डीआईजी डीजी वंजारा, एसपी राजकुमार पांड्यान और एसपी एमएन दिनेश गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन मामला अब भी इतना सीधा नहीं है कि यूं ही बता दिया जाए। इस मामले में बहुत से किंतु परंतु और कथित तथा कथित है, इसलिए सिलसिलेवार ढंग से समझिए। 22 नवंबर 2005, सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक इस दिन सोहराबुद्दीन और कौसर भी हैदराबाद से महाराष्ट्र के सांगली जा रहे थे। वो दोनों बस से सफर कर रहे थे, तभी गुजरात एटीएस ने उनकी बस रोक ली। उन्हें बस से उतार लिया गया। कहा यह भी जाता है कि इस दौरान उनके साथ तुलसी प्रजापति भी था। अगले 2-3 दिन तक इन्हें अहमदाबाद के एक फार्म हाउस में रखा गया। इस जगह का नाम दिशा फार्म हाउस था। तुलसी प्रजापति को यहां इस बीच उदयपुर भेज दिया गया, जहां उसे हिरासत में रखा गया। 25 नवंबर 2005 को गुजरात और राजस्थान की टीमों ने मिलकर सोहराबुद्दीन का तथा कथित फेक एनकाउंटर कर दिया। सीबीआई के मुताबिक 29 नवंबर 2005 को कौसर बी को भी गला घोटकर मार दिया गया। उसकी लाश को डीजी वंजारा के जिले साबरकांठा में वंजारा के पुश्तैनी गांव इलोल में एक नदी किनारे जला दिया गया। फिर तुलसी प्रजापति का क्या हुआ? साल बाद 27 दिसंबर 2006 को उसे पेशी पर ले जाया जा रहा था,
गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर गुजरात और राजस्थान पुलिस की टीमों ने उसका भी एनकाउंटर कर दिया। वजह बताई कि वो कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था। अब तक सोहराबुद्दीन के घर वाले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके थे, वो एनकाउंटर को फेक बता रहे थे, साथ ही कोर्ट के जरिए जानना चाह रहे थे कि आखिर कौसर बी का हुआ क्या, वो कहां गई। कोर्ट ने गुजरात सीआईडी को मामले की जांच सौंप दी। 30 अप्रैल 2007 को जस्टिस तरुण चटर्जी की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने गुजरात सरकार के वकील केटीएस तुलसी और हेमंतिका वाही ने कौसर बी की मौत के बारे में जानकारी दी। एक सीलबंद लिफाफे में गुजरात सरकार की जंक रिपोर्ट देते हुए बताया कि कौसर बी भी मारी जा चुकी है। 30 अप्रैल 2007 को गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की, कहा कि कौसर बी की मौत हो गई है और उसकी बॉडी को जला दिया गया है। 2010 में मामले की जांच सीबीआई के पास आ गई। सीबीआई ने चार्जशीट बनाई जिसमें गुजरात के तब के गृह मंत्री अमित शाह और राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया जैसे नाम शामिल थे। 25 जुलाई 2010 वो दिन जब अमित शाह की गिरफ्तारी हुई, 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया। साबरमती जेल का तिलक कुटीर अमित शाह का नया ठिकाना बना। बाद में 21 अक्टूबर को अमित शाह को जमानत मिल गई। 2012 में फेयर ट्रायल के लिए मामला गुजरात से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। 2014 आते आते अमित शाह और गुलाब चंद कटारिया समेत 16 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया गया। 2014 में डीजी वंजारा को भी जमानत मिल गई थी और 2017 में वो आरोप मुक्त हो गए। नवंबर 2015 में अमित शाह के छूटने के खिलाफ रुबाबुद्दीन ने अपील की, लेकिन फिर कहा वो याचिका वापस लेना चाहते हैं। बाद में बीबीसी से बात करते हुए कहा, अगर मैं याचिका वापस ना लेता तो मुझे मार दिया जाता। साथ ही कहा, अब मैं थक चुका हूँ, मेरा भाई और उसकी बीवी तो मर गए लेकिन मेरे बीवी बच्चे डरे हैं, मैं इस मामले को छोड़ रहा हूँ। हालांकि हर्ष मंदर नाम के एक्टिविस्ट इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में पहुंचे, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पार्टी नहीं माना। 2017 में सीबीआई कोर्ट ने 22 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। ट्रायल हुआ, 210 गवाह पेश हुए, उसमें से कई मुकर गए। 2018 में नवंबर दिसंबर के दौरान गवाहों के बयान लेने का और बहस का काम पूरा हुआ और अब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अब क्या, सीबीआई जांच में बार बार कहा गया कि राजस्थान के मार्बल कारोबारियों के इशारे पर ये सोहराबुद्दीन की हत्याएं हुई। एक एक कर इस मामले में शामिल नेता, बैंकर, उद्योगपति और पुलिस के अधिकारी छूटते गए। जो कहना था कोर्ट ने कह दिया, उसके आगे कोई टिप्पणी करना, मामले पर अपनी राय थोपना है, हम वो नहीं करेंगे। बस अब जज का ये कहना याद रखिएगा कि वो असहाय है।